राइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। पंडित राम अंजोर मिशन इंटर कॉलेज के स्थापना दिवस पर पहुंचे सांसद प्रमोद तिवारी ने लालगंज ट्रॉमा सेंटर के पास बनी फव्वारे का उद्घाटन किया तथा विक्टोरिया लाइट से जगमग हो रहे कस्बे को नगर पंचायत अध्यक्ष का अच्छा काम बताया। पंडित राम अंजोर मिशन इंटर कॉलेज के स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लालगंज नगर पंचायत को आदर्श पंचायत ही नहीं बल्कि जनपद का सबसे खूबसूरत नगर पंचायत बनाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही भारतीय तिरंगे झंडे के समान में हम यहाँ पर तिरंगा झंडा चबूतरे का भी निर्माण जल्द ही शुरू करेंगे, जो कि इतना भव्य एवं विशाल होगा कि दूर से ही हमारे झंडे को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। पहले तो मैं जब कभी निकलता था शाम को क्षेत्र में लाइब्रेरी में लखनऊ में मैं देखता था शाम को बच्चे दौड़ लगा रहे हैं बड़ी लंबी 20-30, 30-40 अब मैं इधर बहुत दिनों से देख रहा था बहुत कम बच्चे लग गए। तो एक बार जो बच्चे दौड़ रहे थे मैंने रुक के पूछा भाई तुम्हारे और साथी कहाँ चले गए। जो जवान बनने के लिए लड़ रहे थे भारत माता के चरणों में अपने प्राण निछावर करने का संकल्प लेके लड़ रहे थे लेकिन तो ये चुनौतियां आपके सामने हैं। आपको इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़िए। उम्मीद की हम मोना जी सब मिलकर जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। मैं एक बार और जो कहना चाहता हूं हमें बढ़ाना पड़ेगा शिक्षा का स्तर। आज जब मैं देखता हूँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रमुख जी भी लालगंज के आ गए मैं भी उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। अमित जी मुझे आपसे ये कहने में कोई संकोच नहीं क्या क्या कारण है कि इतने पूंजीपति पैदा हो रहे कि 14% के पास भारत की आबादी का 85% से ज्यादा पैसा हो गया लेकिन एक चीज नहीं बन पाई। जब 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है तो उसमें एक भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की दुनिया की सूची में नहीं है। कहीं ना कहीं तो हम कमजोर पड़ रहे हैं। वो भारत जो विश्वगुरु था आज दुनिया में सौंप में ना आए तो हमें इस दिशा में भी प्रयास करना होगा। मुझे प्रसन्न था जब मैं पंडित जी का जिक्र कर रहा था कि विकास की एक रूपरेखा उन्होंने बनाई थी। जब उनसे बातचीत होती थी तो कोई न कोई सुझाव बहुत विनम्रता पूर्वक अपने अंदाज में देते थे कहीं भी जाते थे और ऐसा भी न लगे किसी को भी बोझ बन जाए। आज टाउन एरिया के बारे में उन्होंने कल लखनऊ आकर मुझसे बात की थी। मुझे प्रसन्नता है कि लालगंज में टाउन एरिया बन गई और बनी ही नहीं गई इसके लिए तो मैं जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी प्रशंसा करूंगा मोना जी की। इन दोनों ने मिलकर वो असंभव काम कर दिखाया जो संभव नहीं था। लालगंज टाउन एरिया बनने के 5 साल के अंदर ही आदर्श टाउन एरिया बन गई। खास खबरें हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।